क्या कार्यक्रम हुआ है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई यूसुफ जैन जी और शहर अध्यक्ष मनोज वर्मा जी ने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मणिराम कुशवाहा जी, राजेंद्र शर्मा जी, लगातार 3 बार जो सभासद रहे भाई अरविंद बबलू जी, हमारे मजर भाई साहब, सभी गिरजाशंकर राय, सभी लोगों ने आज मिलके जो कार्य योजना इनकी बनाई है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। इन्होंने कहा है कि हम हर दुकान में, हर मोहल्ले में, जहां भी लोग चाहेंगे गमलों सहित पेड़ देंगे और उनसे एक संकल्प पत्र भराएंगे कि हम इस पेड़ को अपने परिवार का सदस्य समझते हुए इसका संरक्षण करेंगे, इसको रोपित कराएंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड पूरा का पूरा पर्यावरण पेड़ों पर निर्भर है। एक पेड़ 25 किलो धूल को अपने अंदर एडॉप्ट करता है। एक पेड़ 100 लीटर पानी, अगर उसको एक साल भी लगाओ तो उसकी जड़ों से 100 लीटर पानी उसके डाया में संरक्षित रहता है। जो नए पेड़ होते हैं और जो पुराने पेड़ होते हैं, तो पुराने पेड़ों के लिए हम लोगों का आंदोलन एक है कि जो बक्सवाहा के अंदर डायमंड की माइनिंग हो रही है, जिसकी अनुमति केवल 68 एकड़ की थी, 363 एकड़ में 2,15,000 पेड़ जो काटे जा रहे हैं उनको हम काटने नहीं देंगे। अगर माइनिंग भी कराना है सरकार को तो जिस तरह पन्ना के अंदर अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी वैसी माइनिंग कराएं। हम जानते हैं कि बेतवा कैन लिंक परियोजना में 18 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, रोड बनाने में 2 लाख पेड़ काटे गए, और अगर अब 2,15,000 पेड़ जो 100 से 150 साल पुराने हैं अगर ये काटे गए तो बुंदेलखंड तबाह हो जाएगा। हम लोग इस बात को जानते हैं कि नए पेड़ जो लगते हैं उनमें बहुत जल्दी आग लगती है। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्वीडन के अंदर जिस तरह आग लगती है, वो नए जंगल हैं। हमारे देश के अंदर कभी भी जो पुराने जंगल हैं, जो 100 से 150 साल पुराने हैं, उनमें कभी भी सामूहिक रूप से आग नहीं लगती। तो आज हम लोगों का ये भी संकल्प है और हम चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष यूसुफ जैन और शहर अध्यक्ष मनोज वर्मा ने जो मुहिम छेड़ी है पौधे वितरित करने की और पौधों को रोपित कराने की, ये 1 लाख की संख्या 1 वर्ष के अंदर ही इस शहर के अंदर पूर्ण रूप से कारगर होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने लोग हैं सबने अपनी तरफ से भी कहा है। हमारे आज लगभग कितने पौधे रोपण किए हैं? आज पौधे रोपण हम लोगों ने जो किए हैं वो करीब 100 पौधे होंगे, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है यहाँ पे कि एक हाथ से दें और एक हाथ से लें। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोगों ने अपनी तरफ से भी बोला कि हम 1,000 गमले देंगे, किसी ने कहा हम 100 गमले देंगे। तो एक सिलसिला चलता रहेगा और ये सिलसिला पूरे देश के अंदर एक नई मिसाल स्थापित करेगा, जब आदमी पर्यावरण असंतुलन के बारे में कभी भी चिंतित नहीं होगा।